चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड भी हम समय, दूरी और चाल से शुरू करते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं जो कि एसएससी में पूछे जाते हैं। अभी एसएससी एग्जाम डेट भी डिक्लेयर्ड हो चुका है, नई वैकेंसी आ चुकी हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट भी होते रहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ए मैन कैन रीच ए सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 15। ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, फाइंड हिज स्पीड। हिंदी में अगर इसको देखा जाए तो एक आदमी एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल 1/15 से कम कर देता है तो इतने समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है, उसकी चाल क्या है। अब इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक आदमी है जो एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय कर लेता है, ठीक है, कोई भी दूरी एक्स वाई जेड कोई भी दूरी है जो आदमी 30 घंटे में तय कर लेता है, और अगर वह अपनी चाल को कम कर देता है, कम कितने से कम कर देता है, तो 1/15 मतलब चाल को अपने 1/15 गुना वो कम कर देता है, मतलब चाल का 15वां पार्ट, स्पीड का 15th पार्ट वो कम कर देता है, तो इतने समय में वो 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। मतलब जितना दूरी वो 30 घंटे में तय करता था अपने चाल से, अगर उस चाल को 1/15 मतलब 1/15 कम कर देता है तो उस समय में 30 घंटे में वो 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है, तब उसकी चाल क्या थी या क्या है। अब क्वेश्चन हमने देख लिया, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार हम देखते हैं कि एक आदमी एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है। अब दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है कि दूरी बराबर चाल गुने समय। फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि एक आदमी एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है, मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स। टाइम 30 घंटे दिए हुए हैं, स्पीड हमें निकालना है। मान लेते हैं कि स्पीड जो है उसका एक्स किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है और टाइम यहां पे 30 आवर्स है, मतलब वो कितनी दूरी 30 घंटे में तय कर पाता है, 30x किलोमीटर, इतनी दूरी वो 30 घंटे में तय कर पाता है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये है कि इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 1/15, कि अगर वह अपनी दूरी 1/15 से कम कर देता है, मतलब कि पहले अगर वह अपनी चाल 1/15 से कम कर देता है, मतलब हमने चाल क्या माना है, एक्स किलोमीटर पर आवर, जब 1/15 वो कम करेगा तो एक्स माइनस एक्स बाई 15 हो जाएगा उसकी चाल। अभी चाल एक्स है, इसको एक्स बाई 15 से वो कम कर दे रहा है, मतलब उसकी चाल हो जाएगी 15x माइनस एक्स बाई 15 मतलब 14x बाई 15। तो अगर उसकी चाल 14x बाई 15 हो जाती है तो 30 घंटे में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। मतलब 30 घंटे में तय किया गया दूरी इसके लिए कितना हो जाएगा, 14x बाई 15 इंटू 30, ये हो जाएगा इतना किलोमीटर का वो दूरी 30 घंटे चाल कम करने के बाद 14x बाई 15 इंटू 30 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। अब ये दूरी जो है ये 30x वाले दूरी से 10 किलोमीटर कम है, सिंपल इक्वेशन पे ला देंगे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां क्वेश्चन क्या बनाते हैं,
सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तो एक लाइन में इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा कि लेट द स्पीड, माना कि चाल इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, देन 30 इंटू एक्स क्यों, जो मैंने यहां बता दिया स्पीड इंटू टाइम 30 इंटू एक्स, तो 30 इंटू एक्स माइनस 30 इंटू एक्स माइनस एक्स बाई 15 इज इक्वल टू 10। क्यों, अभी यहां मैंने बता दिया कि x माइनस एक्स बाई 15 मतलब 14x/15 उसकी चाल हो जाएगी, तो 30 घंटे में और 14x/15 इंटू 30 मतलब 28x किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। तो अब ये 28x किलोमीटर की दूरी जो है 30x किलोमीटर की दूरी से 10 किलोमीटर कम है, जो कि क्वेश्चन में बता रहा है कि वो 10 किलोमीटर कम डिस्टेंस तय कर पाता है। तो 30x माइनस 30 और इंटू 14/15x इज इक्वल टू 10, 15 × 30, दिस इंप्लाइज 30x माइनस 14 × 28x बराबर 10, दिस इंप्लाइज 2x बराबर 10 एंड x बराबर 10/2 मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी, हमने मान लिया। तो इसलिए ये मैंने समझाने के लिए बताया, आप अगर इस चीज को समझ जाते हो आप एक लाइन में इसका आंसर बना सकते हो।